अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तकलीफ़ से, हर दुख से महफूज रखे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो ना देखा है मैंने टेरेस में तो चिड़ियाँ अपना घोंसला बना रही हैं। ये मैंने ना लगाया था डेकोरेशन के तौर पे ना, इसमें लाइटिंग लगा के ना, तो बच्चों ने लगाया था तो मुझे अच्छा लगा। ये डेकोरेशन पीस मैं लेके आई थी तो बच्चों ने लगा दिया टेरेस में, तो इस लाइटिंग इसमें काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा है कि चिड़िया घोंसला बना रही हैं। ये उन्होंने ना टेरेस में तिनके वगैरह लेके आई हूँ, इतना गंद डाला हुआ था ना, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये पौधे ना लेके आए थे रमज़ान शरीफ में मेरे मियाँ, तो ये ना आते कुछ तो ठीक रहे हैं, बाकी ना ये सारे बिल्कुल सूख गए थे। तो लेकिन फिर भी है ना मैं इनको पानी देती रही हूँ। मैंने कहा चलो ना ये शायद है ना जगह चेंज करने की वजह से ना ये ऐसे हो गए हैं, तो मैंने फिर ना उनको पानी देती रही हूँ। तो एक दो तो उनमें हरे हो गए हैं, बाकी तो बिल्कुल है ना वो डेड हो गए। तो मैंने कहा चलो ये ना ज़ाया नहीं हमने करती, तो इसमें ना कोई और चीज़ लगा लेंगे हम। तो फिर बस इसी से ना फारग होके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज है ना बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना, सर्दियों में तो वो ज़्यादा ना वो गुलटेक्स की और वो दूसरी बिछती हैं चादरें, तो गर्मियों में तो वैसे गर्मी फील होती है, तेज़ रंगों की चादरें वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस है ना फिर कॉटन की मैंने ना गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करनी होती हैं चादरें, मैंने कहा चलो आज इसकी चादर भी मैं चेंज करती हूँ। तो फिर मैं बस कमरे की चादर चेंज करने लग गई, क्योंकि हेल्पर तो मेरे आती नहीं है, तो अब काम घर का काम भी सारा फिर ना मैंने ही करना होता है। वैसे भी मुझे ना हेल्पर ना, मैंने पहले का हेल्पर से काम करवाया ना, मुझे तसल्ली होती है। हेल्परों के ना नखरे बहुत उठाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम पर नहीं आती, तो इस वजह से मैं कुछ पहले ही बदजन थी। लेकिन फिर मेरे मियाँ के बार बार कहने पे ना, तो चलो मैंने हेल्पर लगवा ली है, लेकिन हेल्पर काम छोड़ के चली गई। तो जितनी देर दूसरी का किसी हेल्पर का अरेंज नहीं होता, मैंने कहा चलो अब मैं ही घर का, मेरी कोशिश है कि मैं ना अब हेल्पर को लगाऊं। फिर मैंने चादर चेंज की है, घर का काम समेटा है, तो फिर है ना अब मौसम चेंज हो रहा है, तो गर्मी में ना वो कमरे में काफ़ी हबस सी फील होने लग जाती है, तो इसलिए फिर मैं ना खिड़की खोल लेती हूँ ताकि ना वेंटिलेशन है ना अच्छी तरह से ना कमरे से में होती रहे और ताज़ी हवा आए। ताज़ी हवा हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं आ गई हूँ जी किचन में। किचन में मैंने ना बर्तन वगैरह धो लिए, सारा काम मैंने किचन का समेटा, तो मुझे ना ये किचन के ना काउंटर टॉप काफ़ी है ना वो लग रहे थे ना मैसी से, ना जैसे चिकनाई है टिन पे हो जाती है। वैसे तो रोज़ डेली पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा ये साफ होते हैं। माशाल्लाह मेरे घर में ना खाना पीना, बस एक बच्चे स्कूल से आया है तो वो बैठ गया है, दोपहर की तो ये रूटीन है। वैसे तो हमारे घर में ना दस्तरखान सुबह को और शाम को इकट्ठे मिलके हमने बैठ के खाना होता है सब घर वालों ने, लेकिन दोपहर की रूटीन मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब बच्चों के स्कूल के टाइमिंग अब अलहदा अलहदा है, तो इस वजह से ना बस सारा दिन माशाल्लाह कभी एक आ गया उसने खाना खा लिया, दूसरा आ गया, तो इसी चक्करों में ना तो किचन का काम ना मेरा तकरीबन है ना होता ही रहता है सारा दिन। तो शेल्फियाँ मुझे काफ़ी है ना वो लगी थी गंदी सी, तो मैंने कहा चलो ना मैं साफ करती हूँ। तो बेटी आजकल पेपर्स दे के मैट्रिक के फारग है, तो उसने कहा मम्मा चलो मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। तो वो बस अपनी मर्जी से ना लगी हुई है शेल्फे साफ वो काउंटर टॉप साफ करने के लिए, अपनी मर्जी से कभी हाट बना रही है। मैंने भी ना बस दे दे के खुश हो रही हूँ कि चलो ना आज साथ साथ बच्चियों को काम करना आए, क्योंकि तालीम के साथ साथ है ना बच्चियों को घरदारी भी थोड़ी बहुत है ना हमारा माओं का फ़र्ज़ है कि सिखानी चाहिए। हमारी माओ ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सलीका अच्छा दे के भेजा ससुराल, तो हमारी माओ को भी कोशिश होनी चाहिए। मेरी तो बहुत कोशिश होती है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ है ना अपनी बच्चियों को घरदारी भी ज़रूर सिखाऊँ, क्योंकि घरदारी तो पढ़ाई तो जाहिर है हमारे काम आनी आनी है, लेकिन घरदारी का सलीका भी ना बच्चियों को ज़रूर आना चाहिए। तो इसलिए ना फिर उनको मैं थोड़ा बहुत अब काम है ना किचन का हो या अपनी थोड़ी बहुत कोई भी काम घर से ना भी काम वगैरह हो ना, तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे साथ है ना करवाओ, तो फिर ये है कि थोड़ा थोड़ा अब करती हैं। तो किचन का ना ये चूल्हा भी हुआ हुआ था ज़रा ना गंदा सा,
तो इतना नहीं, क्योंकि मैं ना ये नहीं मंथली नहीं इसको साफ करती, या मैं डेली वाइज इनको साफ करती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है ना कि मेरा चूल्हा ना गंदा हो गया है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इसे ना मैं रोज़ की रोज़ ही साफ करूँ। क्योंकि अगर काम को थोड़ा सा भी अवॉइड कर देना किसी काम को घर के को, तो फिर वो ना काफ़ी ना इकट्ठा हो के ना ज़्यादा हो जाता है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो वैसे भी ये ना गंदा किचन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा ज़्यादा वक्त किचन में गुजरना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा थोड़ा ना काम करती रहूँ साथ। तो ये फिर बस बेटी ने मेरे साथ मिलके किचन का करवा दिया था काम। तो फिर मैंने ना आज दिल कर रहा था, क्योंकि ये कढ़ी बनाने को, तो कढ़ी है ना गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों में भी वैसे बना लेते हैं हम लोग, लेकिन गर्मियों में ना इसका ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो इसलिए ना फिर मैंने ना कढ़ी बना ली। तो पहले तो रिवाज होता था कि ना कढ़ी हो गई है, साग हो गई है, तो ख़ास तौर पे ना गर्मियों सर्दियों का सौगात समझा जाता था, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। माशाल्लाह मेरी मम्मी ने ना काफ़ी पतीला भर के बनाना, तो अपने ना रिश्तेदारों को भी देना, और हमने ना इर्द गिर्द के आस पड़ोस में भी भेजनी। तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता ना वक्त के साथ साथ ही ये सारे सिलसिले ना कम ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन काफ़ी कम हो गए हैं। क्योंकि एक दूसरे को ना हमारे नबी का भी फरमान है कि तोहफे तहाइफ देने से, या एक दूसरे को ऐसे ना चीज़ें देने से इंसान का प्यार बढ़ता है। अब तो बस ये सिलसिले ना ख़त्म होते जा रहे हैं, ना तो वो सारी चीज़ें प्यार मोहब्बत वाली रह गई हैं बस। खैर ये मैं ना कढ़ी बनाने बैठी हूँ, कढ़ी मैंने बना ली थी, पकौड़े मैंने ना बनाने के लिए बेसन डाला, उसमें मैंने वो ही प्याज पालक आलू और मसाले जो डलते हैं वो मैंने डाल लिए हैं। डालने के बाद मैंने ना फिर इनको ना पानी डाल के तो घोल के ना इसको बेसन को मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया। तो उतनी देर मैंने कहा चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद जोहर की तो मैं फारिग हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो अब मैं ना ये पकोड़े बना लेती हूँ। बच्चियों ने बस पकाते पकाते ना थोड़े से उन्होंने भी खाने होते हैं, ट्राई करने होते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना उनको भी निकाल के देती हूँ। तो जितनी देर आप मेरे ये व्लॉग को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें, क्योंकि इसकी वॉचिंग टाइम तो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को पूरा वॉच किया करें। इतनी मुश्किल से और बहुत मुश्किल से और मेहनत से ना मैं ये व्लॉग आपके लिए बनाती हूँ, क्योंकि घर का काम भी करना होता है और साथ एक हाथ से मैंने व्लॉगिंग भी करनी होती है, तो वो कैमरा भी पकड़ा होता है। तो अगर कोई कहीं से भी मेरे से कोई मिस्टेक होती है, या आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो पकोड़े मैंने बना लिए, बच्चियाँ खा रही थी बड़े मज़े के साथ, साथ उन्होंने कोक रखी हुई थी वो तो मज़े लेके खा रही हैं। तो फिर मैंने ना वो जितने मैंने डालने थे कढ़ी में वो मैंने डाले हैं। डालने के बाद फिर मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तड़का मैं हमेशा ना कढ़ी पत्ते का ज़ीरा डालती हूँ, और जो गोल मिर्च होती है ना साबुत, वो मैं डाल के ना तो इसे ना तड़का लगाती हूँ। कढ़ी मैंने बना ली है, बनाने के बाद ना फिर बेटा मेरा ले आया है मेरे ना भतीजों को, क्योंकि आज ना वो स्कूल से उनका ऑफ था, तो वो उनको भी साथ ले आया अपने। तो बच्चे आ गए थे माशाल्लाह ना, घर में ज़रा रौनक हो गई। तो बच्चे क्या खा रहे थे, आइसक्रीम मैंने बना के ना फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो अब ना बाहर की हमें अच्छी नहीं लगती, अपने हाथ का जो मज़ा है ना, अपने हाथ का जो टेस्ट है उसकी अलग ही बात है। ज़ाहिर है इंसान को कुछ ना प्रैक्टिकल करने से और कुछ एक दूसरे को देख के ना तो सीख जाता है, अगर कोशिश करे तो। तो फिर मैंने भी ये दो दफ़ा ट्राई की आइसक्रीम, ना बहुत अच्छी और टेस्टी बनी है। फिर मैंने बना के ना रमज़ान शरीफ के बाद, ईद के बाद मैंने इसको ना फ्रिज में रख लिया था, फ्रीज़र में रख लिया था। तो आज बच्चे आए हैं ना, तो मैंने उनको ना निकाल के दी है। मैंने कहा चलो बेटा आप भी खाओ। वो बड़े मज़े लेके ना उंगलियां चाट चाट के खा रहे हैं। बच्चों की यही है ना वो, जो उनमें जो एक होता है ना मुखलसपन, उनको नहीं कोई पता होता कि हमें कोई देख रहा है या क्या या नहीं। उन्होंने बस अपने अच्छे तरीके से, उनका यही अच्छा तरीका है, उन्होंने बस है ना ऐसे ही खानी होती है चीज़। तो वो खा रहे थे, तो ये छोटू मेरा देखे कैसा, कितने मज़े लेके हाथ चाट चाट के खा रहा है भतीजा। तो बेटियां मजाक उड़ा रही थी, मम्मा इनका ऐसे ना ब्लॉग बनाओ, तो आप इनको ना बताओ कैसे खाने। मैंने कहा नहीं, ये है ना जो है ना नेचुरल, वो ही मैंने दिखाना है। तो वो बस आइसक्रीम खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। तो
ऐसे ही बस है ना हमारी ये दोपहर ऐसे ही अल्लाह खैर करे गुजर गई। तो बस बैठे बैठे ना यकदम मुझे याद आया कि आज है ना मेरी अम्मी जी का ना उनका ख़त्म था आज। तो मैं बस डेट का मुझे ना कंफर्म नहीं हुआ, मैं सोच के बैठी थी शायद कल है। तो बस इसी टाइम वो परेशानी में ना मुझे इतनी परेशानी लगी कि मैं कैसे भूल गई हूँ। मैं तो कल की बना के बैठी हुई थी डेट के उनकी है ना, कल ख़त्म दिलाऊंगी। तो फिर ना मुझे बेटी ने बताया कि मम्मा नहीं कल नहीं आज उनकी है ना वो डेथ का ना वो की डेट है। तो फिर ना मैंने कहा अब क्या मैं करूँ, तो यही सोच में मैं बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो फिर अब जो है ना घर में मौजूद, तो घर में कोई नहीं था। तो फिर मैंने देखा फ्रीज़र में ना थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था और मटर पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो है ना फिर मैं वो चावल बना लेती हूँ। वो मैंने चावल बनाए, साथ मेरा दिल किया आज मैं ना साथ कुछ मीठा भी बना लूँ। मैंने कस्टर्ड बनाया, फ्रूट पड़ा था वो मैंने साथ लिया है। तो फिर मैंने ना किसी वो गरीब घर में ना मैंने भेज दिया है, क्योंकि अगर कोई खाएगा ना तो उसका सवाब भी जाहिर है मेरे माँ बाप को ही जाना है। तो फिर असाले सवाब के लिए मैंने फिर जो चावल बनाए थे वो मैंने गली में बच्चों को बांट दिए कुछ, क्योंकि ये हम उनके पीछे ना और कुछ नहीं, हमारा बस जो नेक अमाल है किए हुए उनकी औलाद के वो ही जाने हैं, क्योंकि औलाद ही उनका सदका जारिया होती है। तो आप भी जब भी कुछ घर में बनाया करें, अच्छा बनाया करें, या रोज़ की रूटीन में तो देखें कोई इर्द गिर्द कोई मुस्तहिक है तो उसे ज़रूर भेजा करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो नेकियां हैं वही हमारे और हमारी माँ बाप के काम आनी है।